हे गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। Xiaomi की तरफ से Xiaomi 12 सीरीज में और भी बहुत से स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होने वाले हैं और ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। वैसे Xiaomi 12S लॉन्च होने वाला है, Xiaomi 12 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है, Xiaomi 12 लाइट के साथ Xiaomi Redmi Note 12 Pro Max स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है और इनमें से दो स्मार्टफोन डेफिनेटली इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Redmi Note 12 Pro Max के बारे में और ये वाली जो स्मार्टफोन है ऑलमोस्ट बहुत से सर्टिफिकेशंस के ऊपर लिस्टेड हो चुका है एंड ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस वहां से क्लियर हो चुके हैं। तो इसलिए बात करेंगे कि ये स्मार्टफोन अपने साथ क्या क्या स्पेसिफिकेशंस को कैरी करने वाला है, क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, स्मार्टफोन का प्राइस क्या होगा, कब लॉन्च होगा और इसका ओवरऑल कैसा होने वाला है। तो गाइस, ऐसे ही स्मार्टफोन के ऊपर डेली अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, बट स्पेक्स की स्टार्ट स्मार्टफोन की डिस्प्ले से करते हैं। सो स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे HDR 10 प्लस की भी पैकेज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है एंड डिस्प्ले को कहा जा रहा है और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे इन डिस्प्ले ऑप्टिमाइज्ड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बाकी बात गाइस बात करें स्मार्टफोन की मोस्ट हाइलाइटेड पॉइंट्स के बारे में, या गाइस ऑब्वियसली कैमरास के बारे में। सो स्मार्टफोन के रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का न्यू प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा जो कि सोनी MX766 सेंसर से बिल्डअप किया गया है एंड वहीं रियर साइड में न्यू 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा एंड 5+5 मेगापिक्सल का दो और सेंसर देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के रियर क्वाड रियर कैमरा सेटअप के अंदर। बट हाँ, वहीं आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से आप 4K+1080fps पे किसी भी फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर कर सकते हो एंड वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो वही ओल्ड 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेंटर में पंच क्राउड के साथ सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड वैसे बाकी बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, सो स्मार्टफोन में न्यू 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि हमें आने वाले बहुत से नए नए 5G स्मार्टफोन में भी देखने को मिल रहा है। या गाइस, यहाँ पे आपको 780G वाली न्यू 5G चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि आपको गेमिंग के दौरान काफ़ी बेहतर पावरिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। एंड वहीं बैटरी रेंज की बात करें तो यहाँ पे कुछ लीक्स रिवील्ड हुआ है कि स्मार्टफोन में 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलेगी और इसे जल्द से जल्द चार्ज करने के लिए शायद ही 120 वाट का चार्जर देखने को ना मिले या फिर उससे भी कम देखने को मिल सकता है। ये कंफर्म्ड है कि यहाँ पे आपको एडेप्टर इनबॉक्स ही देखने को मिलेगा एंड वैसे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। OS 13 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है एंड एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में। सो स्मार्टफोन का स्टार्टिंग बेस ब्रांड प्राइस पॉइंट नियर अबाउट 25,000 आपको देखने को मिल जाने वाला है। ये गाइस टीज है, एक्चुअली टीज भी नहीं, ये रूमर्स है। तो जैसे ही रेडमी स्मार्टफोन के ऊपर टीज करता है तो डेफिनेटली एक टेक वीडियो हमारे चैनल पर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ बात करेगा स्मार्टफोन की रैम वेरियंट के बारे में। सो स्मार्टफोन में 3 रैम वेरियंट आपको देखने को मिलेगा, 6, 8 और 12 GB, और स्मार्टफोन में 2 स्टोरेज बैंड आपको देखने को मिलेगा, एक 128 और दूसरा 256 GB। बाकी के इस बात करें स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट के बारे में, सो Redmi Note 12 सीरीज में Redmi Note 12 T जो था वो चाइना में टीज कर दिया गया है और अब ये स्मार्टफोन चाइना में भी लॉन्च होने वाला है और उसी की रिगार्डिंग जो Redmi Note 12 Pro Max है वो भी जल्द चाइना में लॉन्च होने वाला है। और इंडिया में जस्ट रूमर्स है गाइस कि ये स्मार्टफोन का लॉन्च डेट आपको अगस्त या सितंबर के मंथ में अनाउंस होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो उसी की रिगार्डिंग पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन एग्जैक्ट किस डेट में आने वाला है। तो गाइस, यही था कुछ कहानी Redmi Note 12 Pro Max के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।